सन 1893 चंपानेर देश के बीचों बीच बसा एक छोटा सा गांव। चंपानेर के लोग देश के हजारों गांवों की तरह अपना गुजर बसर खेतीबाड़ी से करते थे। गांव की सीमा से लगकर अंग्रेज हुकूमत की छावनी थी और छावनी से 2 कोस दूर दक्षिण की ओर इस प्रांत के राजा का किला था। अंग्रेज राजा के प्रांत की पड़ोसी राजाओं के आक्रमण से हिफाजत करते थे और उन राजाओं को भी वो इस राजा के आक्रमण से बचाने का वादा करते। इस दोगले खेल की बदौलत अंग्रेज उन राजाओं के साथ साथ चंपानेर प्रांत के राजा से भी लगान वसूल करते थे। लगान, किसान अपनी उपज जैसे गेहूं, बाजरा, चावल का एक हिस्सा राजा को लगान के तौर पर देते थे और यही लगान हर राजा अपने प्रांत के हर गांव से वसूल करता था। राजा इसमें से एक हिस्सा रखकर बाकी अंग्रेज के हवाले कर देता था। इस तरह अंग्रेज मुट्ठी बुलंद होती गई। देश के हजारों गांवों की तरह चंपानेर के किसान भी दिन रात मेहनत करके अपना पेट काट के सालों साल राजा को लगान पहुंचाते रहे हैं। पिछले साल बारिश हुई थी लेकिन कम, और इस साल अब तक बरसात नहीं हुई है। सूखी आंखें आसमान टटोल रही है। आज भी टकटकी बांधे कहां देख रही है माई? यही कि कब पड़ेंगे आकाश में बादलों के धब्बे। आंखें तरस गई, बरखा एक मास निकल गई, एक बूंद न पड़ी धरती पे। आती हूँ आती हूँ। ये तो कृपा है सिद्धेश्वर की कि गांव में पिए का पानी है, नहीं तो कलेजा ही सूख जाता। साब की माया। हाँ माई, पर खेत तो प्यासे हैं, दाना फूटे तो कैसे फूटे? धीरज रखो हरि भाई, आकाश से ना मिला तो धरती का मन टटोलेंगे, माटी फाड़ के पानी निकालेंगे। यही बात मैंने भुवन से कही। कहाँ है वो? सुबह से कहीं गया है। खाने का बखत होगा वा, दिखाई देवे तो भेज दियो। लो भाई, मुर्गी महाभारत फिर सुनो। अरे गोली का बच्चा ससुरे ताई के तोप के मुंह में ना ठूस दी है तो हमारा भूरा नाम नहीं। हाँ इस तरह तू कौन घर की बुलिया रहे? आ तेरी भूरा की। अरे गोली का बच्चे रुका वो थाई। आ ससुरे अबा थाई। ताई के गर्दन में 2 किस्से मारा, 4 दिन खटिया में छोड़ा था। तूने हमारे लड़के को काहे मारा रे? मारा? अरे पेड़ से उल्टा लटकाया कि मेरे चा सुलगाए दे। मरे हमारी मुर्गी का हैरान करा है और तू सबसे ज्यादा हमसे पटर पटर की तो तेरे गोफन पकड़ के फूंक दे भक्क से। अच्छा अरे बस भी करो, हर वक्त की खिंच खिंच। अरे कुत्ते को पिल्लन को भी मात कर दिया तुम दोनों। अरे ये क्या लड़का, हमारी मुर्गी का छेड़ा था वो। अरे मुर्गियाँ की छुकरिया छेड़ दिया तो इज्जत उड़ गई का? तेरे मुर्गियों का प्यार नहीं होने वाला। अरे देख पूरा बच्चे ही तो है। और गोली अपने बच्चन को समझाई दे, ठीक है? अभी बताओ भुवन को कहीं देखा तुमने? नहीं। तूने देखा रे पूरा? नहीं। कहे
कोढ़ कोढ़ फली देख लिया। ए गुरज, उनकी शनिचर कुंडली का है बाज रहा है, ढेरे कानों पर डांट बजावे से फायदा, मेरा नसीब बांचना। बोलना, हमका हमरे मन का राजकुमार मिलेगा? काहे नहीं, जब सच्चे मन से तपस्या करी है तो उसी के कंगना पहनेगी, उसी की बिचिया। हाय सच्ची सुना जी? हाँ, मगर का हमका एक कठिनाई नजर आवत है। कैसी कठिनाई गुरन, जल्दी बता। गौरी हमार नसीब बात ना कहरी काका, गुरन तोरा भविष्य बाँचत रहा का? नहीं। अरे पगला है, हाथ भर आगे की जिंदगी की समझ है नहीं उसे, बस अनाप सनाप बकराता फिरे। नहीं हरी काका, वो पगला नहीं है, दुर्गा भाभी की बात भूल गए। ब्याह के 9 साल तक उनकी कुक से कोपल ना फूटी, फिर गुरन बोला कि लल्ला होगा, समूह भी नहीं, और वो केसरिया का किस्सा ले लो। ठीक है भाई, वो पगला पागल नहीं है, बस अभी बता फोन देखा कहीं? देखा तो नहीं, मगर जाना थू कहाँ पे होगा। अरे गजब, पूरी खबर रखती हो जन्नू उसकी। आ? ए लाखा, तो से मतलब? ये लो, हमी से सारा मतलब, और हमी मुँह न खोले। अब तो पहन ले चूड़ी हमरे नाम की। बिठाई का बक रहा है तू? ईमान की कह रहा हूँ बापू, अब देखो आप तो बुढ़ाई गए और जन्नू हमरी कौनो खबर ही नहीं रखती। ये देखो, नहीं देखो देखो, ससुर जखम हुआ पड़ा है। जखम? तुमका हमरी नहीं, बापू की जरूरत है। बापू? हाँ है। लाखा के हाथ में फांस लग गई है। अभी लाखा का क्या करूं, लकड़ी कम और हाथ ज्यादा काटत है। क्या करूं इसर चाचा, कट ही जात है। कच्चस है। काका मैं भुवन को लाती हूँ। अरे सुन तो, मिले तो कहियो कि माई घर पे बाट जोहत है। हाँ हाँ कह दूंगी। Finally, got the darn creature. Well done, sir. Good shot. Thank you, Ramsey. Now for something a little bigger. Arrest him. Sir, this darkie was hiding in the bushes with this stone in his hand. He'd been distracting the deer all the time. Sumja. Punch ba my serun kokyo nahi masaka. Tum. Jambaro ke rakshak ho. K
किसान है हुजूर चांपानेर का। Well, you must be a very good runner. Try saving this one. Next time, I will shoot you. Ugly bana shana tumi banonga. Captain Dadal, huzur! Raja Puran Singh Jala, Captain Singh ne aapka intezar kar rahe hain. Puran Singh? What could he want now? काहे चिल्ला रही है? मैं तो ही ढूंढ रही थी, ना ही दिखे तो हम कहाँ मर गए? मैं कहाँ जानू कहाँ, हरम कहाँ सगुन बोल रही थी। इतना नाराज काहे हो रहा है? खैर मतलब प्या का बात है? एक खास बात कहनी थी। का? बैठ तो सही बोल। आज गुरन ने मरा नसीब बताया। अच्छा कब फूट रहा है? धत मैं नहीं बता। ठीक है बता। अरे बता ना। गुरन ने कही कि इसी साल मेरे हाथ पीले हो जाएंगे, मैंने ब्याह। अरे वाह तो बड़ी खुशी की बात है, हैं? छंद से बजेगी तेरी पायल, छोरा कौन है? मुझे क्या पता, गुरु ने ही नहीं बताया। पर गुरु ने इतनी जरूर कही कि जिस घर में मैं जाऊंगी उसके आंगन में एक नीम का पेड़ होगा, घर के बगल में एक बड़ा खेत होगा, दो गायें होंगी, एक जोड़ी बैल, तीन बकरियां। गुरन ने कही कि मोरा घर एक छोटा सा स्वर्ग होगा। वाह क्या बात है, तो है नसीब वाली। नसीब वाली का खाक नसीब वाली भाई, घर स्वर्ग और का चाहती? राम जाने का होगा मोरा। अच्छा मुगल एक बात बोल, तुहे कैसी छुरी पसंद है? मुहे तो वही छुरी पसंद आवेगी जो मोरी माई को पसंद आवेगी। माई को पसंद आवेगी? हे भगवान का हुआ? दरअसल मैं तो ये बताने आई थी कि माई ने तुहे बुलाया है। अब बता अब रही है इतने वक्त के बाद, अब तू बैठ यहाँ हम चले। भुवन भुवन माफ कर दे। राजा जी कैसा रहा शिकार आपका? In grey shikar ka khel me duniya me sabse aage hai. The British Empire is the best in the world, nahi? Bilkul. Lekin hame fikr ho rahi hai. Kya? Jab shikar jungle me khatm ho jayega, kaun sa khel khelegi aapki bandook? Humari kuch kismati aap yahan par rahe hai. Lekin hum vajan nahi jante.
हम अपनी प्रजा की तरफ से एक दरख्वास्त लेकर आए हैं। दरख्वास्त? गुड मॉर्निंग एलाइजा। गुड मॉर्निंग योहानिस। पेश करता हूँ मेरी प्यारी बहन एलिजाबेथ, कोलोराडो से आई है लंदन से। एलिजाबेथ, हिज हाइनेस राजा पूरन सिंह झाला ऑफ चैंपियन। अलब भलाब, खुशी हुई मिलकर। राजा जी, इसे हिंदी ना आते। ऑफ कोर्स, चार्म टू मीट यू। प्लीज्ड टू मीट यू योर हाइनेस। सर, पैटी स्मिथ। राजा जी। एलिजाबेथ, आईड लाइक यू टू मीट माय डेप्यूटी लेफ्टिनेंट पैट्रिक स्मिथ। हाउ डू यू डू लेफ्टिनेंट स्मिथ। प्लीज्ड टू मीट यू जेंटलमैन। सो राजा जी, हुकुम। पिछले 3 साल से हमारी प्रजा ने सिद्धेश्वर के मंदिर में पूजा नहीं की है। उनका विश्वास है कि पिछले साल जो उन पर तकलीफें आई हैं, वहाँ पूजा करने से खत्म हो जाएंगी। लेकिन लेकिन जिस प्रांत में मंदिर है, उस प्रांत के राजा है राजा दिलया सिंह, आपका चचेरे भाई और दुश्मन, और आपका अजीज दोस्त। मुझे विश्वास है कि अगर आप दिलेर सिंह से बात करेंगे तो वो बात टालेगा नहीं। नहीं जी, नहीं, शुक्रिया। हम शाकाहारी हैं, आई मीन वेजिटेरियन। तो कैप्टन रसल, क्या सोच रहे हैं, क्या ये मुमकिन है? Well, he could be persuaded. आपका काम हो सकता है, but on one condition. एक शर्त है। शर्त? हाँ हाँ, कहिए। Eat the meat, Your Highness. आप ये गोश्त खाए और मैं दलेर सिंह से बात करूंगा। As I told you, I'm a vegetarian. हम शाकाहारी हैं। सिर्फ एक गोश्त का टुकड़ा। You eat it and consider your job done. Andrew. Eat the meat. हमारे गोश्त खाने से मंदिर का क्या ताल्लुक? कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ मैं आपको गोश्त खाते हुए देखना चाहता हूँ। कैप्टन रसल, कर्म का धागा पहनने के लिए हम धर्म का धागा नहीं तोड़ सकते। I'm sorry. Well, ठीक है, तो फिर आप मुझे डबल टैक्स दीजिए। दुगना लगान? देखिए राजा जी, पिछले साल आधा लगान भी मैंने आपकी कने पर कबूल किया था, वो भी देरी से। इस साल उस लगान की भरपाई करनी पड़ेगी, सो दुगना लगान। सर, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई। ब्रिटिश राज हिंदुस्तान के बारिश से नहीं नहाता राजा जी। बारिश ये नो बारिश, मुझे तो ये चावनी बरकरार रखनी है, फौज का कच्चा उठाना है, उनका खाना पीना कपड़े सब कुछ आपकी सुरक्षा के लिए। किसान देंगे कैसे? कम ऑन राजा जी, सिर्फ दुगना लगान ही तो है, और फिर आप कुछ भी तो नहीं कहते। ओम श्री कृष्णाय नमः, 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 ओम श्री कृष्णाय नमः। हे अर्जुन, ये बाघा काहे फुलफुलाए जा रहा है? हमका भी समझ में नहीं आवत है। जरूर कोनो खास बात। ए बाघा, ढोल काहे पीटे जा रहा है? बूंद गिरे से रही मनहूस, साला मनहूस, असगुन बोलत रहत काली जवान। हे
ये हुक्म सारे प्राण पर भी लागू होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? तो जानते हैं का किए हैं जो दुगना लगान भरे। पिछले साल हम बखत से लगान नहीं दे पाए और दिए भी तो आधा। पर अब्बा छूट तो राजा जी ही दिए थे ना बरखा की कमी से। दादा रे दादा, एक साल गुड़ और अगले साल गाली, मतलब तब की सजा अब भुगते मारे महाराज। लखा राजा जी के खिलाफ कौन उस बात नहीं सुनेंगे हम। राजा जी और उनका पुरखा नहीं हम लोगों के सर पर साया रखे तबरस कह रखा है तो एहसान किया है। छाव देना पेड़ का धर्म होता है। हम तो सिर्फ इतना डालना चाहिए कि आखिर भूखे पेट कब तक उनकी मलारे गावे उनकी गोदाम में भरे। बात समझो अर्जुन, ये दुगना लगान राजा जी का नहीं वो गोरे सांडों की मांग है। मुखिया जी चाहे दाहिने हाथ पर धरो चाहे बाएं पर, लगान तो हमका देख पड़ी। हम तो कहे थे सब जने मिलके राजमहल चलो और राजा जी से बात करो। ये बादल उनसे छुपे नहीं है, उनसे कहो कि इस साल हम लगान नहीं दे पाएंगे, एक और दाना नहीं। और ये सब सुनने के बाद राजा जी मना कर दिए तो फिर सारी अलग अलग उंगलियों की मुट्ठी बन जाए मुखिया जी। मतलब तुम लड़ोगे? अगर जरूरत पड़ी तो वो भी। तो हर खोपड़ी घूम गई है भवन। राजा जी के साथ गुस्ताखी करोगे तो खुद तो डूबोगे, हम सबका भी लाइक डूबोगे। अब ये कौन सी जिंदगी सुख भोग रही है, डूबे नहीं है का? जो भी हो लेकिन हम पूरे गांव पर धूल नहीं उड़े देंगे। का चाहते हैं का है आप? घर बार बेच दें, गाय बैल और तन बेच दें, दुगना लगान भरे खाते, कौनो इंसाफ है? मुखिया जी वो नहीं माना। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे भैया हमारे महाराज जी से मिलना बहुत ही जरूरी है, हम महल हुई के आए रहे हैं। ठीक है लेकिन उनका खेल चल रहा है अभी, आप यहाँ बैठो, उनका खेल खत्म होने तक आपको रुकना पड़ेगा। बैठो ना सब। ठीक है बैठो बैठो। कहाँ खेल रहे हैं? का जाने ससुरे का खेल रहे हैं। हमारा गिल्ली डंडा है ना, वैसे ही कुछ दिखे। कभी गोरे ससुरे बालकन का खेल काहे खेल रहे हैं? बादल आए गए का? Isn't that a wonderful shirt? You are not supposed to touch the ball. Arrest him! महाराज की जय हो। यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? माफी चाहते राजा जी, हम यहाँ से मिले के वास्ते आए थे। इनका ही ठुक ठुक वाला सड़ील भद्दा सा खेल देखने नहीं, हमारा दर्द जाना तो दूर, वो गोरे ने बुरा पर हाथ छोड़ दिया। कैप्टन रसल तुमने जो कहा हमें पसंद नहीं आया। माफ कीजिए, ये समस्या लेकर आए हैं, बहुत दुखी है। वही लड़का तो वैसे ही नादान है। इतना बिना दान नहीं है, जंगल में तुम ही थे ना। ठीक है इसका फैसला खेल की बात करेंगे। लीव हिम।
Come on, chaps. Back to the game. Come on. खेल के बाद बात करते हैं। जो आगे महाराज, जो आगे महाराज। Well done, Smith. Well done. अब बताओ मुखिया जी, क्या बात है? महाराज जी, आप तो जानते ही हैं, आज तलक भी बरखा नहीं हुई है और हमारे पास जो कुछ है उसमें ई साल गुजर बसर हुई जाए वही बहुत है महाराज। सो अन्नदाता, हम आपके पास पहले ही करने आए हैं कि आप इस साल का पूरा लगान माफ कर दें भाई बाप। देखो मुखिया जी, हम समझ सकते हैं कि आप लोगों पर क्या बीत रही है, लेकिन हमारे हाथ भी बंधे हैं। गोरी चमड़ी वाले अपने बाप के सगे नहीं होते। दुगना लगान तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम योर हाइनेस? कैप्टन रसल, ये किसान एक अर्जी लेकर आए हैं। वो क्या? ये चाहते हैं कि हम इस साल का लगान माफ कर दें, पर हमने बता दिया है कि ये नामुमकिन है। देखिए, लेकिन ये मुमकिन है। वो कैसे? हम बताता है। ठीक है, सरत का सरत लड़सा तुम इधर आओ। क्या कहा था तुमने हमारे खेल के बारे में? पूरे दिशे हा सदिया पता सा खेल है। तुम इस खेल के बारे में क्या जानते हो? बचपन से खेलते आ रहे हैं। हम ही का गिली डंडा खाते हैं और आप न जाने का क्रिकेट। तो तुम्हारे ये कहने हैं कि ये क्रिकेट तुम खेल सकते हो? हाँ, आसान है। ठीक है, तुम्हें लगान माफ कर देता हूं, लेकिन तुम्हें इस खेल में हमें हराना होगा। शर्त यह है कि तुम हमको इस खेल में हराओ और हम तुम्हारा लगान माफ कर देगा। I'm serious. You beat us in this game. And I'll cancel your tax. लेकिन कहीं तुम हार गया तो तुम हमको ट्रिपल टैक्स यानी तीन गुना लगान देगा। ठीक है, बोलो, शर्त मंजूर है? Sir, I think the cat's caught his tongue. Quiet. ठीक है, हम शर्त बताते हैं। तुम हमको इस खेल में हराओगे तो तुम्हारा इस साल का तो किया, हम अगले साल का भी लगान माफ कर देगा।
हेमंजो भवन कुछ मत कहना, चुप रहना भवन, चुप रहना। हाँ भवन कुछ मत बोलना। ठीक है, हम शर्त और बढ़ाता है, सिर्फ एक नहीं, अगले दो साल का लगान माफ कर देगा, यानी 3 साल, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं सारे प्रांत का। अब मंजूर है, हमका फसाए हुए के खातिर गड्ढा खोदा जा रहा है भुवन। हाँ भुवन। मुखिया जी आप बात करें। मुखिया यहाँ बात कीजिए। आप मेरे साहब से बात करो। लाट साहब। शाह साहब। तुम बोलो, दुगना लगान दोगे? केशत मंजूर है। शर्त मंजूर है। ठीक है, तो फिर ये तय रहा, खेल ठीक 3 महीने बाद खेले जाएगा। Saves life. जीत गए तो कौनो लगान नहीं, लेकिन हार गए तो 3 गुना लगान भरेक पड़ी, और ई नामुमकिन शरत ई भुवन ने मंजूर कर ली। इतने का किया भुवन, अब दुगुने से तिगुना। तो इगा सत्यानाश, हम तो पहले कहत रहन कौनो बड़ी विपदा आ सकत है, नहीं कहत रहन भुवन। और कौनो चारा था, मैं पूछू था कौनो चारा, का कर सकते थे हम? दुगना लगान जबरदस्ती नहीं है, भरे की ताकत है, बताइए भर सके है कोई? ये विपदा नहीं है मुखिया जी, मौका है मौका। हम सिर्फ जोश महा नहीं किए, चूल्हे से रोटी निकाले के लिए चिमटे को अपना मुंह जला है पड़ी। मानित है, मानित है कि हमारा पलड़ा हल्का है, मगर इमा उम्मीद तो है, और यही उम्मीद का हम सच्चाई में बदलना चाहे थे। ये खेल है हमारे खेत खलियान के लिए, भूल गए? अगर जीते तो 3 साल सुखी होंगे, 3 साल। जरा सोचो, 3 साल कौनो लगान नहीं, जाने हो इसका मतलब, मतलब हमारा अनाज सिर्फ हमरा होगा, किसी को दाना नहीं देना पड़ेगा। हिमा हमारे बच्चों की, हमरी, सारे गांव की खुशहाली होगी। हमारा पसीना हमारे तन में खून बन के दौड़ेगा। चाबास, छोटी छोटी आंखें और बड़े बड़े सपने। हाँ अर्जुन, हम सपना देखते हैं, और सपने वही साकार कर पावे हैं जो उन्हें देखते हैं। हिसर काका, 3 महीने का वक्त कम नहीं होता, हम खेल सीख भी सके, हरा भी सके। अरे छोड़ो भुवन, 3 महीना, साल भर भी डंडी पीटो तो भी फिरंगी खेल ना सीख पाई हो। हम जाने था ये आसान नहीं है लाखा, मगर मुखिया जी यह संभव भी नहीं है, हम आप सबका साथ चाहे थे। गांव का कोनो आदमी तुम्हारे इस पागलपन में साथ नहीं देगा भुवन। मगर इस्माइल, बस भुवन बहुत हो गवा, अब एक ही आस है, हम सब लोग एक बार फिर राजा जी के पास जाएंगे और जान बचाने की गुहार करेंगे।
का सोच रही मां? आज जो हुआ वही के बारे में बेटा। मां तोरी कसम, मैंने जो किया ठीक किया। मन कटता है मोरा जब हम राजा का लगान भरते हैं और वो फिरंगियों की गंदी हथेली पे धर देते हैं। तू बोल मां, धरती की छाती चीर के बीज कौन बोए? हम बोए, फिर सींचे कौन है? हम ही। फिर लगान उनकी गांठ काहे बांध दे? गोरा साहब की बात मां, 3 साल का लगान माफ करे की बात थी। मैं का गुंगा हो जाता मां। तू बोल, गुंगा हो जाता मैं? का मां, का देख रही है? यही रे, तू बिल्कुल तेरे बाबू की तरह बोले थे। वो ऐसे ही जुझारू थे, खरी बोलते थे। सोचा बोझ मत ले मत। तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तुझसे मिलने आई थी, तो ही बताने आई थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। भरोसा है मुझे तुझ पे, तुम्हारी हिम्मत पे। बस इतना ही कहने आई थी। छील दो। है? बताता हूं, क्या पता क्या होगा। अरे हमार बाप दादा खेलत आ रहे हैं गिल्ली डंडा। चल अगली तरफ चल, और पीछे, और बस अब गोला पकड़। अरे ठीक से पकड़ टीपू, ला इधर हम दिखा दें। देखा, बहुत आसान है। अरे तू भी सीख सके है। ये खेल बिल्कुल गिल्ली डंडे जैसा ही है। ये ले
बोला? शाबाश। क्या बात है, क्या बात है, वाह टीपू, है ना आसान। अब गोला फेंक, मारते कैसे ये दिखाता हूं। फेंक। वाह कहा फेंकता है गोला, तू तो गोला बहुत अच्छा फेंकता है टीपू। हाँ गौरी ला दे। ए गौरी ये क्या कर रही है, चल पानी गरम कर। ले टीपू अब की बार देख। अरे बहुत आसान है। ससुरा डंडा फिसल गया। अरे हाथ में पसीना है ना। हाँ अब ठीक है। आपकी फेंक टीपू। और बुरा मत मानियो, अब की बार बहुत जम के पीटेंगे हम। जम के पीटेंगे। बापू एक बात कहूँ? का मोहे लागत है, भुवन ठीक ही कर रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, देख पानी गर्म हुआ कि नहीं। बापू ये तो राम प्रसाद और नामदेव हैं, तनपुर और भिंड के मुखिया।
और इतने लोगों के साथ। भुवन कौन है? भुवन ओरा। उरा भुवन। हम जो भी किए वही माँ सबकी भलाई है। चूल्हे भाड़ में तुमको तो गोरे साहब से मांगनी पड़ेगी माफी। अरे खेल के चूल्हे भाड़ में समझे नहीं समझे जान लिया तुम्हारा धीरा झलो राम प्रसाद। तुम जो कह रहे हो वही होगा मगर मुखिया जी बात भवन अब कौन हो अगर बगैर आई हमका राजा जी के पास जाही पड़े। बात मंदिर खेल या दुगने लगान की नहीं रही बात अब अंग्रेज की है उस सन की कैप्टन रसल के अहंकार की। वो गोरे साहब से आप एक बार फिर बात करके देखें सरकार। क्षमा करें महाराज भुवन दादान है भोला है और सरकार जोश में था। जोश और होश की बात ही नहीं रही इसने तुम सब की तरफ से अंग्रेजों को ललकारा है। महाराज वो माफी मांगे को अंग्रेजों से तैयार है और हम सब भी। जी महाराज 100 करोड़ मंजूर है महाराज मगर हम माफी नहीं मांगेंगे। माफी की तो अब बात ही नहीं उठती अब जो कर दिया है उसे भुगतो। तो फिर क्या करें महाराज? उनका खेल सीखो। Oh, 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 oh
girl's a wonder. She loves me and she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me more, more. Touch me, touch me, touch me more, more.